एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों कहा जाता था जनता का राष्ट्रपति? अपनी सरकार के गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इंद्र कुमार गुजराल ने तय किया कि वो भारतवासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि वो भारतीय सुरक्षा को कितनी ज्यादा तरजीह देते हैं। उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। इससे पहले 1952 में सीवी रमन के छोड़कर किसी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी की टाई को बार बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों से चिढ़ थी जहां उन्हें इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिसमें वो अपने आप को कभी सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, यहां तक कि वो चमड़े के जूते की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शू पहनना ही पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी की कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्ण प्रक्षेपण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलवाया था। कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक मिली तो वो घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास न तो सूट है और न ही जूते, मेरे पास ले दे के मेरी चेरपू है। ये चेरपू तमिल शब्द है जिसका अर्थ चप्पल होता है। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, कलाम आप पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो इसलिए हर हालत में वहां पहुंचो। मशहूर पत्रकार राज चेंगप्पा की लिखी किताब वेपन्स ऑफ पीस के अनुसार उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम का अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय करवाया तो उन्होंने कलाम से हाथ मिलाने के बजाय उन्हें गले लगा लिया। ये देखते ही इंदिरा गांधी शरारती ढंग से मुस्कुराई और उन्होंने वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा, अटल जी लेकिन कलाम मुसलमान है। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हाँ लेकिन वो भारतीय पहले हैं और एक महान वैज्ञानिक है। 18 दिन बाद जब वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो वाजपेयी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को ये संदेश जाता कि उनकी बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाएगी। कलाम के इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन विचार किया गया। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी से मिलकर बहुत विनम्रता पूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों स्वीकार नहीं किया। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया, वाजपेयी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश के राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए लेकिन मुझे आपकी हाँ चाहिए ना नहीं। शाम तक एनडीए के संयोजक जॉर्ज फर्नांडेज, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कलाम की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनका स्वागत किया। कलाम ने एशियाड विलेज के DRDO गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। 18 जून 2002 कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों का उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं। तो कलाम ने ठहाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय, मैं न सिर्फ कुंवारा हूं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूं। अब बात करते हैं कलाम सूट बनने की कहानी की। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में तो वो सब नहीं पहन सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम का भी नाप ले डाला। कलाम के जीवनीकार और सहयोगी रहे अरुण तिवारी अपनी किताब APJ अब्दुल कलाम लाइफ में लिखते हैं, कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बंद गले के सूट सिलकर ले आया। कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई। लेकिन कलाम इसमें खुद खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तो इसमें सांस ही नहीं ले सकता, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। परेशान दर्जी सोचता रहा कि क्या किया जाए। इसी बीच कलाम ने खुद ही सलाह दी कि इसे आप गर्दन के पास से थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने से भी नफरत थी, बंद गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। एक बार अपनी टाई से अपना चश्मा साफ करते हुए देखे गए। उनसे पूछा गया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जवाब आया, टाई पूरी तरीके से उद्देश्यहीन वस्त्र है, कम से कम मैं इसका कुछ इस्तेमाल तो कर रहा हूँ।